18 साल की उम्र में जब लोग अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदार के साथ रहता है, घर का खाना खाता है, उस वक्त हम 18 साल की उम्र में ट्रेन पर बैठकर बंबई चले गए थे और वहाँ पर 900 रुपया प्रति महीना के हिसाब का नौकरी करते थे। रहने का जगह नहीं था, कपड़ा बदलने का जगह नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमको नेता मान लिया, इसीलिए आज मुकेश सहनी घूम घूम कर अपने समाज के लोगों के लिए काम कर रहा है। छपरा में पहुंचे मुकेश सहनी जब ये मंच पर चढ़कर बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई बाबू साहब नहीं है कि घर में बैठे रहे। आज अगर धूप में आप लोग के सामने खड़े हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि निषाद समाज और अति पिछड़ा के समाज का कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है, और अगर किसी को बिहार में राजनीति करनी है तो उसको मुकेश सहनी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग हमको बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि उनके समाज के लोगों ने उनको वोट किया तो देखिए कि वो 3 दफा सत्ता में आए, 2 बार खुद बने, 1 बार धर्मपत्नी को बनाए। उसके बाद मुकेश सहनी रामविलास पासवान का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रामविलास पासवान को आज पूरा भारत जानता है, उनके बेटे को पूरा लोग नेता मानता है और सिर्फ उनके समाज के लोगों ने उनका सहयोग कर दिया, इसीलिए ये मुमकिन हो पाया। मतलब ये कि मुकेश सहनी घूम घूम कर पूरे बिहार में लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, और अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका सारा दुख हर लेंगे। बहरहाल छपरा में मुकेश सहनी का एक बहुत अच्छा सैंड आर्टिस्ट से उनका कलाकृति बनाया गया और वहां के रहने वाले महतो साहब ने वो कलाकृति जब बनाई तो मुकेश सहनी देख कर फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने बहुत शुक्रिया भी कहा। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी भले ही बिहार सरकार से आउट हो चुके हैं लेकिन मुकेश सहनी बिहार के जनता के बीच बने रहना चाहते हैं। वो लगातार बिहार, झारखंड और यूपी का दौरा करते रहते हैं। हमने आपको परसों की खबर में बताया था कि कैसे मुकेश सहनी ने भाजपा के करीबी नेता को झारखंड में अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनवा दिया, और इसके बाद जब कल मुकेश सहनी छपरा गए तो वहां पर मुकेश सहनी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए अगर हमारे समाज के लोग हमको सिर्फ समर्थन दे दें तो हम उस पद पर पहुंच सकते हैं जिस पद पर आज तक इस समाज का कोई नहीं पहुंचा। मुकेश सहनी बार बार इस बात की दुहाई दे रहे थे कि लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, यूपी में मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती इसीलिए आगे हो गए क्योंकि उनके समाज के लोगों ने उनका समर्थन किया। और उसके बाद मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम भी चाहते तो मुंबई का ऐशो आराम का जिंदगी जी सकते थे लेकिन हमने वो सब छोड़ दिया, इसीलिए क्योंकि हमको अपने समाज के लोगों के लिए काम करना था।
और उसके बाद जब मुकेश सहनी कहते हैं कि आज के परिदृश्य में बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा और निषाद समाज का अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, अति पिछड़ा और निषाद समाज को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है, तो सारे लोग ताली बजाने लगे। मुकेश सहनी पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने कार्यालयों को खोल रहे हैं, उस कार्यालय को हाईटेक कार्यालय कहा जा रहा है और मुकेश सहनी लगातार इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि 2024 और 2025 के चुनाव में हम ये बता देंगे कि हमारे पास कितना वोट है। मुकेश सहनी कल छपरा में थे, छपरा के बाद सिवान गए और छपरा में जिस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया वहां पर उन्होंने लमसम 22 मिनट तक भाषण दिया। 22 मिनट के भाषण में मुकेश सहनी लगातार अपने लोगों को ये याद दिला रहे थे कि हम अगर आपके लिए आज इस धूप में खड़े हैं तो आपको भी मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। हम चाहते तो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मुख्यमंत्री बन सकते थे, भाजपा वाला हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार था, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारे ही वोट से अगर भाजपा हमको मुख्यमंत्री बनाएगा तब हम उसके पास क्यों जाए। हम अपने लोगों के पास आए हैं और अपने लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमको वोट दीजिए और मुख्यमंत्री बना दीजिए। और जैसे लालू प्रसाद यादव, बहन मायावती, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान को उनके समाज के लोगों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, वैसे ही अगर आप लोग हमको स्वीकार कर लेंगे तो हमको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि मुकेश सहनी पूरे बिहार के हर जिले में जा जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो वीआईपी पार्टी से जुड़े और उसके बाद सैंड आर्टिस्ट जो है वो उनका कलाकृति बनाकर उनको खुश करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और आप याद करिए कि कैसे भाजपा ने उनके तीनों विधायकों को काट लिया था, उसके बाद एक वक्त लगा कि मुकेश सहनी अब खत्म हो गए, लेकिन धीरे धीरे ही सही सहनी लोगों के बीच जाकर अपनी लोकप्रियता को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो प्रासंगिक बिहार की राजनीति में बने रहे। बाकी मुकेश सहनी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। ऐसे ही खबरों के लिए जनता नेक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।